सही गाइस व्हाट्सअप, तो क्या कर रहे हो आप लोग। तो गाइस आज के वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ पहल एसएमपी में। तो ये एसएमपी हमारी जी भी भाई की और इसके ऑपरेटर हैं ओजी भाई। तो आज मैं खेलने वाला हूँ इस एसएमपी में। और गाइस सॉरी क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो अब मैंने थोड़ा बहुत तो ग्राइंड कर ही लिया था। और यहाँ पर मैं डिसेंट पोकेमॉन पकड़ रहा था, जैसे कि ये वल्पिक्स हो गया और ये पहली बार में पकड़ में आ गया था, मतलब आ नहीं रहा था। फिर मैंने अपना ये क्रो को निकाला और गाइस ये पोकेमॉन मुझे बहुत क्यूट लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, बस लगता ही है। फिर मैं इस पर अटैक मारता हूँ वल्पिक्स पे। और गाइस मुझे कमेंट्स में बता देना कि मैं इसको फ्लेरिगेटर में इवॉल्व कैसे करूँ। और इस पर वैसे तो ऑप्शन आ नहीं रहा, और मैंने इसको क्या बोलते हैं वाटर स्टोन से भी करके देखा, वो उससे भी नहीं हो रहा था। और इसका जो लेवल है वो 35 है, तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना प्लीज़। और गाइस फिर मैं छोटे मोटे और पोकेमॉन कैच करता हूँ, जैसे कि एक ककून, फिर मैं कैच करता हूँ एक साइडक। हाँ याद तो हो गई जिसने पोकेमॉन देखा है। तो फिर मैं चले जा, ये है मेरी टीम, एक है मेरा ये स्नोलैक्स जो मेरा पहला बढ़िया पोकेमॉन था, फिर ये मेरा क्रोको, ये पिजियोटो, ये मिड टैंक और लास्ट हेराक्रॉस। इसका लेवल 51 है सबसे ज़्यादा, ये देख रहे हो। और फिर मैं एक बंदे से बैटल करता हूँ, मैं निकालता हूँ अपना पिजियोटो और सेम वही पोकेमॉन निकालता है वो भी। और उसके पिजियोटो का लेवल मेरे से ज़्यादा था और मेरे का थोड़ा कम था। और फिर मैं अटैक करता हूँ, फिर वो भी अटैक करता है, तो डैमेज जाता है 57 का। फिर गाइस जो ये अटैक करता है वो इसका हो जाता है फेल। तो कोई नहीं गाइस, मुझे एक अटैक की एडवांटेज मिल गई। फिर गाइस मैं चला जाता हूँ अगले ट्रेनर से फाइट करने के लिए। तो मैं निकालता हूँ अपना पिजियोटो और गाइस ये भी सेम पोकेमॉन निकालती, हर कोई निकालता है जंपी में सबसे पहले पहली फाइट में। शायद ये बहुत ओपी पोकेमॉन है। तो ऐसे ही हम पहले मैं अटैक करता हूँ, फिर वो अटैक करता है, ऐसे हम 3-4 अटैक करते ही रहते हैं। और मेरा डैमेज देख रहे हो 97-93 ऐसे चला था। फिर इसका पोकेमॉन डिफीट हो जाता है, तो देख रहे हो गाइस मेरा कितना स्ट्रॉन्ग पिजियोटो है। फिर ये निकालता है सिज़ोर जो कि बहुत अच्छा पोकेमॉन है, ग्रास टाइप है। तो मेरा पिजियोटो इसके सामने हार जाता है। कोई नहीं गाइस, बड़ी बड़ी एसएमपी में ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं। फिर गाइस हमारी फाइट थोड़ी बहुत कंटिन्यू रही, फिर मेरा पिजियोटो हार चुका था। तो गाइस अब मैं रेडी था, मेरे पास अच्छे पोकेमॉन भी थे, अच्छे लेवल के थे और मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया था 2-3 फाइट का। तो अब मैं सीधा चले जाता हूँ ओजी भाई से फाइट करने की। तो गाइस मेरी फ़ाइट ओजी भाई से हो जाती है और वो पता नहीं रिकॉर्ड कैसे नहीं हुआ मेरे फ़ोन में। तो सॉरी ओजी भाई, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। पहले वो अपना सिज़ोर निकालता है, मैं अपना पहला पोकेमॉन निकालता हूँ जो कि स्टार्टिंग में ही हार जाता है। फिर मैं अपना दूसरा पोकेमॉन निकालता हूँ और वो इतनी अच्छी टक्कर देता है और फिर वो भी हार जाता है। फिर मैं अपना तीसरा पोकेमॉन निकालता हूँ, वो तो तुरंत ही हार जाता है। फिर मैं अपना चौथा पोकेमॉन निकालता हूँ, वो ओजी भाई के पोकेमॉन को हरा नहीं पाया, वो भी हार जाता है। फिर गाइस जो मेरे बागी के 2 पोकेमॉन्स थे वो भी हार जाते हैं, लेकिन हमारे जो ओजी भाई हैं वो दिल के बहुत अच्छे हैं। बैटल हारने के बाद भी उन्होंने मुझे कुछ रिवॉर्ड्स दिए, तो मैं आपको सीधा वो रिवॉर्ड्स दिखाता हूँ। गाइस उन्होंने मुझे कुछ नॉर्मल बॉल दी, कुछ लग्जरी बॉल दी और थोड़ी सुपर बॉल दी और एक वाटर स्टोन दिया। और उन्होंने मुझे कुछ बेरीज भी दी थी, उन बेरीज को मैंने अपने क्रोको पर लगा दिया लेवल अप करने के लिए। अब जो इसका करंट लेवल है वो है हमारा 35, लेकिन अब भी मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है इवॉल्व का। देखो गाइस अब देखो ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। फिर मैंने ये देखो मेरे हाथ में वॉचर सुन लिया, क्लिक करा इस पर, लेकिन ये इवॉल्व भी नहीं हो रहा। तो गाइस मैं कमेंट्स में, और गाइस मैं कुछ पोकेबॉल्स गिव अवे कर रहा हूँ। तो गाइस आपको अपना गेम अटैक कमेंट्स में बताना है और जितने ही बंदे कमेंट करेंगे मैं उन सबको थोड़ी थोड़ी बॉल्स दूंगा। तो गाइस जल्दी जल्दी अपना गेम अटैक्स कमेंट्स में डाल दो। और गाइस आज की वीडियो में पसंद आई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।